अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है हाउ टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड ड्यूरिंग विंटर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में जिल्द की खुश्की का सबसे ज़्यादा मसला हमें होता है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मज़ीद इस बारे में जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुजा नियाज़ी है। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग करंटली एट यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल। जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है कि सर्दियों के मौसम में हम कैसे अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। इसके लिए चंद बहुत ही अहम लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका डेली वाटर इनटेक। सर्दियों में अक्सर हम अपना डेली वाटर इनटेक रिड्यूस कर देते हैं, जिसका एक वाज़े असर हमारी स्किन पर हमें नज़र आता है। तो मिनिमम आपने 2 लीटर ऑफ वाटर जो है वो अपना डेली इनटेक में जारी रखना है। दूसरी एक गलती जो कॉमनली हम कर रहे होते हैं, जनरली लोग लॉन्ग हॉट शावर्स ले रहे होते हैं, जिसका एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हमारी स्किन पे आता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो अपनी शावर्स को टाइम को आप जनरली 10 मिनट्स तक लिमिट कीजिए, और ल्यूक वार्म वाटर से नहाना जो है वो बेहतर है इन ऑर्डर टू अवॉइड ड्राई स्किन। फिर सोप्स में डोंट गो फॉर एनी हार्श सोप, और आप ऐसा सोप इस्तेमाल कीजिए जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट रखता हो। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मरहम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन। मॉइस्चराइज़र जो है उसकी मुख्तलिफ कंसिस्टेंसी, मुख्तलिफ इकसाम मार्केट में मौजूद हैं, ऑइंटमेंट की शक्ल में, क्रीम की शक्ल में या लोशन की शक्ल में। सर्दियों के लिए आई वुड एडवाइस कि आप ऑइंटमेंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कीजिए। इसमें ईजिली कॉमनली अवेलेबल और मोस्ट अफोर्डेबल इज़ वाइट सॉफ्ट पैराफिन यानी कि पेट्रोलेटम, वैजलिन के नाम से कॉमनली मार्केट में मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल मॉइस्चराइज़र में ग्लिसरीन अवेलेबल है, जो कि आपकी लिप्स और एरियाज अराउंड आइज़ को मॉइस्चराइज़ करने के लिए इज़ वेरी इफेक्टिव। कोकोनट ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल मॉइस्चराइज़र। जब भी आप अपना मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करने जा रहे हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि उसमें मौजूद हों। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लिसरीन, सिरामाइड्स, बीज़वैक्स, लेनोलिन और यूरिया। आई वुड सजेस्ट कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्जीमा या ड्राई स्किन का इशू है वो ऐसा मॉइस्चराइज़र लें जिसमें यूरिया जो है वो इंग्रेडिएंट्स में मौजूद हो। आई वुड एडवाइस कि जब भी आप, अक्सर होता है कि हम मॉइस्चराइज़र लेके रख लेते हैं बट वी फॉरगेट यूजिंग इट। दिस इज़ द मेजर कॉज दैट वाई पेशेंट्स गेट ड्राई स्किन, बिकॉज दे डोंट यूज़ द मॉइस्चराइज़र रिपीटेडली। आप बार बार इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए कि आपने बार बार अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, स्पेशली आफ्टर टेकिंग अ शावर एंड स्पेशली बिफोर गोइंग टू द बेड। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मेरे साथ इन क्लिनिक या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आप मेरे साथ yamarham.pk अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।